वैसे तो बेंटन के शो में हमें काफ़ी टाइप्स के एलियंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि फाइटिंग टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप, फायर टाइप एंड वाटर टाइप। बट आज की वीडियो स्पेशली इलेक्ट्रिकल एलियन से रिलेटेड है, यानी आज के हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एलियन वर्सेस बेंटन अल्टीमेट एलियन। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें 5 राउंड होंगे, यानी 5 एलियंस होंगे इलेक्ट्रिकल एंड 5 अल्टीमेट, और वो एक दूसरे से फाइट करेंगे राउंड 5 तक। तो चलिए फाइट स्टार्ट करते हैं राउंड 5 से। राउंड 5 में जिन एलियंस का फाइट होगा उनका नेम है ब्रेनस्टॉर्म वर्सेस अल्टीमेट कैनबोट। पहले लेते हैं अल्टीमेट कैनबोट की पावर्स के बारे में। अल्टीमेट कैनबोट के पास है एनहेंस्ड स्ट्रेंथ, एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस्ड एजिलिटी, एनहेंस्ड डिगिंग जैसी एबिलिटी, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और अल्टीमेट फॉर्म में कैनबोट के पास एक स्पाइक शेल आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे पावरफुल स्पाइक्स होते हैं जो कि अपोनेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये गड्ढा भी खोद सकता है। इसका रोल आउट अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है और इसको किसी नॉर्मल एलियन के लिए कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट फोर आर्म्स एंड ह्यूमंगस और इसको मुश्किल से कैरी कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है उनके लिए, मगर मुश्किल ज़रूर है इसको उठाना। और इसका रोल आउट अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सो अब जान लेते हैं ब्रेनस्टॉर्म क्या है। ब्रेनस्टॉर्म क्या किया है, तो इसके पास इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेस्ट कॉम्बैट जैसी पावर्स हैं और इसकी इंटेलिजेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो इसकी स्पीसीज के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसके पास इनहेंस्ट स्ट्रेंथ, इनहेंस्ट ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ट एजिलिटी, स्टेमिना एंड डेक्सटेरिटी जैसी एबिलिटीज हैं और ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। सो फाइनली बात करते हैं इन दोनों की फाइट में कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट पर विनर बनेगा वो है अल्टीमेट कैनबोल्ट। अब बताता हूँ कैसे। जब अल्टीमेट कैनबोल्ट अपने शेल में रोल हो जाएगा तब ब्रेनस्टॉर्म उस पर अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रिक अटैक। तब अल्टीमेट कैनबोल्ट के शरीर तक अटैक पहुँचने से पहले उसका शेल उसको बचा लेगा। बट अगर अल्टीमेट कैनबोल्ट ने अपना रोल आउट अटैक किया और अपना पूरे शरीर का वजन ब्रेनस्टॉर्म पर डाल दिया तो ब्रेनस्टॉर्म के पास इतनी पावर नहीं है कि उसके वजन को कैरी कर पाए और वो दब जाएगा और लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। इसलिए स्पॉट को जीतेगा वो है अल्टीमेट कैनबोल्ट। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेंटन अल्टीमेट एलियंस को और इलेक्ट्रिकल एलियन फिलहाल 0 पर। चलते हैं राउंड 4 की तरफ। राउंड 4 में जिन एलियंस का फाइट होगा उनका नेम है अल्टीमेट एको एको वर्सेस एम्फीबियन। पहले बात कर लेते हैं अल्टीमेट एको एको के बारे में। इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इसके पास फ्लाई करने और स्पेस में सर्वाइव करने ऐसी एबिलिटीज हैं और ये ऑडियोकिनेसिस, ऑडियोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। और ये अपने स्पीकर्स को अपने अपॉइंट पर थ्रो करके एक पावरफुल साउंड वेव क्रिएट करता है। इसके साउंड वेव इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इसने अल्टीमेट केविन 11 तक को मार डाला था। अब जान लेते हैं हम लोग एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियन के पास है इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट एंड एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी रीडायरेक्शन जैसी पावर्स। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी जैसी भी एबिलिटीज हैं और साथ ही साथ ही इनविजिबल हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पर जा सकता है, इसके पास फ्लाई एंड स्पेस में सर्वाइव करने जैसी भी एबिलिटीज हैं और ये किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। यानी इस पर कोई अटैक करे तो उससे पहले उसके अटैक्स को जान सकता है कि वो उस पर क्या करने वाला है और फिर उससे अटैक से बचाव कर सकता है। तो फाइनली बात करते हैं इन दोनों की फाइट का विनर कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा उसका नेम है एम्फीबियन। जब अल्टीमेट एको एको उस पर अपने स्पीकर को थ्रो करेगा साउंड वेव को क्रिएट करने के लिए तो एम्फीबियन इनविजिबल हो जाएगा और उसके इलेक्ट्रिकल अटैक से वो अल्टीमेट एको एको के स्पीकर को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तो उसका माइंड पहले से रीड कर लेगा वो क्या अटैक करने वाला है और उससे पहले अपने इलेक्ट्रिकल अटैक से अल्टीमेट एको एको को हरा देगा। इसलिए स्पाइट को जीतेगा वो है एम्फीबियन। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है इलेक्ट्रिकल एलियन को एंड बेंटन अल्टीमेट एलियन भी फिलहाल 1 पॉइंट पर हैं। अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 में जिन एलियंस का फाइट होगा उनका नेम है अल्टीमेट स्वॉर्म वर्सेस फ्रैंकेनस्टाइन। पहले लेते हैं फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। फ्रैंकेनस्टाइन के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, ये हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस कॉम्बैट कर सकता है। इसके पास भी बहुत सारा स्टेमिना है। हालांकि ये अंडररेटेड एलियन माना जाता है बट फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक बीम शूट कर सकता है एंड फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता है। अब जान लेते हैं अल्टीमेट स्वॉर्म के बारे में। अल्टीमेट स्वॉर्म के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, ये क्लोरोकिनेसिस, क्लोरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, पायरोकिनेसिस, पायरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसी पावर भी रखता है और ये फायर बॉल शूट कर सकता है, फायर ब्लास्ट कर सकता है और भी कई सारे पावरफुल अटैक कर सकता है। ये स्लीप गैस को भी क्रिएट कर सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। प्लांट से रिलेटेड अटैक कर सकता है, फायर को भी अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है, वाइन को भी निकाल सकता है अपने हैंड से। अब जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइटर है तो दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा उसका नेम है फ्रैंकेनस्टाइन। बिकॉज अल्टीमेट स्वॉर्म फायर की जो वीकनेस है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही है, इसलिए इस फाइट को जीतेगा फ्रैंकेनस्टाइन। अगर उसने अपना इलेक्ट्रिक अटैक कर दिया उस पर तो अल्टीमेट स्वॉर्म फायर हार जाएगा बिकॉज उसकी वीकनेस ही है इलेक्ट्रिसिटी।
इसलिए वो हार जाएगा। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है फ्रैंकनस्टाइन यानी इलेक्ट्रिकल एलियन को। तो इलेक्ट्रिकल एलियन के हो जाते हैं 2 points एंड बेन टेंटिव एलियन के फिलहाल 1 point है। अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में एलियन का फाइट होगा, उनके नेम है अल्टीमेट ह्यूमंगस वर्सेस स्पीडवैग। पहले लेते हैं अल्टीमेट ह्यूमंगस में। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस जंपिंग एंड इनहेंस स्पीड जैसी पावर। ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है। इसके पास एक स्पाइक बॉल एंड स्पाइक शेल आ जाता है। स्पाइक शेल तो इसकी पीठ पर होता है और स्पाइक बॉल इसकी टेल में होता है, जो कि मेस्टेल के दौरान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है इसके अपोनेंट के लिए। इसके पावरफुल रोर एंड शॉक वेव क्रिएट करने जैसी भी पावर्स हैं, और ये मिसाइल भी शूट कर सकता है, और ये अपने जैसे मतलब कि नॉर्मल ह्यूमंगसोर को कईयों को डिफीट कर सकता है एक ही बार में। अल्टीमेट ह्यूमंगसोर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कई नॉर्मल ह्यूमंगसोर को हरा दे और लिमिटेड टाइम के लिए स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं फीडबैक के बारे में। फीडबैक अपने अंदर अनलिमिटेड एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसको रीडायरेक्ट कर सकता है। ये हैंड टू फाइट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके पास ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड डेक्सटेरिटी जैसी भी एबिलिटीज़ हैं। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और भी फीडबैक के पावर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसी पावर। इसको फ्लाई करने की भी एबिलिटी है, बट सम टाइम के लिए। और भी इसके पास कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। और फीडबैक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेंटन ओमनिवर्स एंड बेंटन सीरीज का। तो फाइनली जानते हैं इन दोनों के फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों के फाइट का बना बनेगा, उसका नेम है अल्टीमेट ह्यूमंगसोर। बताता हूँ कैसे। अल्टीमेट ह्यूमंगसोर ने अगर अपनी एक ही मिसाइल को फीडबैक पर निशाना साध के लगा दिया ना, तो फीडबैक फिर उठ नहीं पाएगा, मतलब कि अटैक नहीं कर पाएगा। बट जो फीडबैक के अटैक होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो अटैक अगर अल्टीमेट ह्यूमंगसोर पर किए जाएँ तो उस पर असर नहीं होगा, बिकॉज वो खुद शॉक वेव क्रिएट कर सकते हैं। तो यार उस पर अटैक कैसे हो जाएगा, आप ही बताओ। अगर होते भी हैं तो उसका जो शेल है ना, वो उसे उन अटैक से बचा लेगा और अब्सॉर्ब करके उनको ज़मीन में भी फेंक सकता है उन अटैक को इलेक्ट्रिकल। इसलिए स्वैट को जीतेगा वो है अल्टीमेट ह्यूमंगसोर। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है अल्टीमेट एलियन को, और अल्टीमेट एलियन के हो जाते हैं 2 point एंड बेन 10 इलेक्ट्रिकल एलियंस के भी हैं 2 point। अब लास्ट राउंड से पता चलेगा कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा। चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ। लास्ट राउंड में फाइट हुआ अल्टीमेट रैथ वर्सेस शॉक स्कॉच के बीच। पहले आने थे हम लोग शॉक स्कॉच के बारे में। शॉक स्कॉच के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस कॉम्बैट। ये हैंड टू फाइट में बहुत ही पावरफुल है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। और इसके पंचेज इतने पावरफुल होते हैं कि वो अर्थ हुए के ला दें, इलेक्ट्रिक बूम शूट कर सकता है, बहुत ही लंबी जंप लगा सकते हैं, तेजी से भाग भी सकते हैं, लेट टाइम पूरा जोर लगा देता है अपना फाइट को जीतने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अल्टीमेट रैथ के बारे में। अल्टीमेट रैथ भी एक बहुत ही पावरफुल एलियन है बेंटन का। और अल्टीमेट रैथ के पास वैसे तो कोई अंदरूनी पावर नहीं है, बट इसके फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्पीड एंड इनहेंस जंपिंग जैसी पावर्स। इसके पास शार्प क्लॉज एंड शार्प टीथ हैं, और जितना इसको गुस्सा आता है इसकी पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये हैंड टू फाइट कर सकता है, इसके क्लॉज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर उनसे अपने अपोनेंट पर अटैक करता है तो उसका तो ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा, जिससे कि उसका अपोनेंट मर भी सकता है। अल्टीमेट रैथ लेटेड टाइम बहुत ही पावरफुल हो जाता है, और अल्टीमेट रैथ बहुत लंबी जंप लगा सकता है, तेजी से भाग भी सकता है। अल्टीमेट रैथ की बस यही पावर्स हैं। तो फाइनली बात करते हैं इन दोनों में अगर फाइट हुआ तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है शॉक स्कॉच, बिकॉज इन दोनों के पास हैंड टू फाइट की पावर है, बट शॉक स्कॉच के पास इलेक्ट्रिकल अटैक भी है। इलेक्ट्रिकल अटैक का असर अल्टीमेट रैथ पर बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि वो हार भी सकता है। और शॉक स्कॉच के तो पंचेज इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अर्थ को एक ला दें तो अल्टीमेट रैथ पूरा हिल जाएगा और फिर इलेक्ट्रिकल अटैक को भी नहीं झेल पाएगा, इसलिए अल्टीमेट रैथ हार जाएगा। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है इलेक्ट्रिकल एलियन को। इलेक्ट्रिकल एलियन के हो जाते हैं 3 point एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के 2 point, यानी कि दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल एलियन जीत गए हैं। बट यार अगर यहाँ पर अल्टीमेट एलियंस में अल्टीमेट ग्रेविटी या अल्टीमेट वेबिक जैसे एलियन होते तो इलेक्ट्रिकल एलियन पक्का हारने थे, बट फिलहाल इस सिचुएशन में तो अल्टीमेट एलियंस हार चुके हैं एंड बेन 10 के इलेक्ट्रिकल एलियन जीत चुके हैं। आपको ये एलियंस कैसे लगे, आपका फेवरेट एलियन कौन है, या फिर आपकी सबसे कौन जीतना चाहिए था, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड आज की वीडियो में नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।